हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, विद डमी एफआईआर पॉकेट गाइड्स पुलिस गेट रेडी टू स्विच टू न्यू क्रिमिनल लॉज। क्या है, चलिए देखते हैं। अहेड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉ फ्रॉम जुलाई 1st, एटलीस्ट 23 मॉडिफिकेशन हैव बीन मेड टू द क्रिमिनल क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम CCTNC, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज बाय मोर देन 16,000 पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री टू रजिस्टर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR ये होता है आपका, ठीक है। विद द न्यू लॉज कमिंग इन टू फोर्स, द FIR विल बी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 173 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंस्टेड ऑफ सेक्शन 154 ऑफ CRPC। तो ये किससे रिप्लेस किया है? CRPC को। और ये आ गया है 173 और ये 153, ठीक है। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल सेड ऑल द स्टेट्स वर ऑन बोर्ड एंड प्रिपेयर्ड टू स्विच टू अ न्यू सिस्टम फ्रॉम जुलाई 1st। द भारतीय न्याय संहिता BNS रिप्लेसेस इंडियन पीनल कोड IPC को रिप्लेस किया है और ये 1860 का है, ठीक है। द भारतीय साक्ष्य रिप्लेसेस, इसको रिप्लेस किया इन्होंने, भारतीय साक्ष्य रिप्लेसेस इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एंड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेसेस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो ये 1898, तो ऑब्वियसली इतने पुराने पुराने हैं, हमें चेंज करने थे। द दिल्ली पुलिस विच वाज वन ऑफ द फर्स्ट पुलिस फोर्स अक्रॉस द कंट्री टू रोल आउट ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल मॉड्यूल फॉर द न्यू लॉ एम्स, ठीक है। इतने ये क्या भाई, उन लोग को, हम लोग को इसकी आदत थी, ठीक है, इस वाले पार्ट की, हम लोग के पुलिस ऑफिसर्स को आदत थी। कुछ ट्रेनिंग मिलेगी तभी हम लोग इस पर स्विच करेंगे, तो ट्रेनिंग दी जा रही है और दिल्ली उसमें से फर्स्ट था। डमी FIR आर बींग फाइल्ड टू अकस्टम द पुलिस ऑफिशियल टू न्यू फॉर्मेट। वी हैव given pocket size book compressing the three law to all rank as a ready, ठीक है। ये सब कोई मतलब नहीं, said all law such as IPC CRPC will still be in use if in case is registered after July 1, but the crime occurred before the date, it will be registered under the BNSS and relevant section of the IPC. the existing, देखो क्या है, आईपीसी एंड सीआरपीसी विल स्टिल बी इन यूज, ठीक है। ये अभी जा नहीं रहे, आईपीसी और सीआरपीसी कहीं नहीं जा रहे, ये अभी भी यूज में है, ठीक है। इफ अ केस इज रजिस्टर्ड आफ्टर July 1st बट द क्राइम अकर्ड बिफोर द डेट, ठीक है। मानो हम लोग बात कर रहे हैं जून में कोई क्राइम हुआ और उसको रजिस्टर किया जा रहा है जुलाई में, ठीक है। इट विल बी रजिस्टर्ड अंडर द BNSS, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड रिलेवेंट सेक्शन ऑफ IPC। तो इसमें IPC के सेक्शंस लग जाएंगे और BNSS भी लगेगा, ठीक है। द एग्जिस्टिंग केस इन कोर्ट वेयर चार्जशीट आर येट टू बी फाइल्ड और द ट्रायल इज स्टिल ऑन विल बी हेल्ड अंडर द ओल्ड सिस्टम। तो जहाँ पे पुरानी चीज़ें हैं वो ओल्ड सिस्टम से चलेंगी, इसीलिए IPC और CRPC हट नहीं रहे। नई चीज़ें जो भी होंगी वो इससे होंगी, ये न्यू है तो सारी नई चीज़ें इसके थ्रू होंगी। Total of 20 new crimes have been added and the period of imprisonment have been increased for 33 offences. So, 20 new crime aaye hain, 33 offence ke liye yahan pe period of imprisonment increase kar diya gaya, theek hai, ye to hamare liye important ho gaya. Six crimes has been introduced for six crimes and the mandatory minimum punishment has been introduced for 23 crime. 23 crime ke liye minimum